हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 25। ध्यान से देखिए, सदाह, ये जो स के बाद लिखा हुआ है उसमें का आधा है तब पूरा है, और जो दो रूट हैं वो ह के साउंड निकालेंगे। सदाह कर्मण्या विद्वांसो, सत्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत, सत्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति सत्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, सत्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, सत्ताह वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। नेक्स्ट, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः। अब इसमें कैसे, कुर्यात् जो है ना उसमें द आधा है वो मात्रा से पहले उच्चारण होगा, ठीक है, व के साथ एक ही मात्रा वे, ठीक है, उसके बाद द आधा है विद, फिर व के साथ अ की मात्रा, विद्वान विद्वांस तथा सक्तः। अब सक्तः के बाद जो श है ना उस श आधे श को मात्रा से पहले उच्चारण करेंगे, और मात्रा से पहले उच्चारण करने के बाद वो क्योंकि श आधा है इसलिए साइलेंट हो जाएगा और ह की साउंड निकालेगा। कैसे, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, बस याद है, ठीक है। और जो नीचे वाला च है वो पूरा है, उसके साथ एक की मात्रा, ची कीर शु लोकस, ची कीर शु लोक संग्रहम, संग आधा है ग्रहम, चिकीर्षु लोक संग्रहम, चिकीर्षु लोक संग्रहम, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम, चिकीर शुर ल ए ओ है ना ल के बाद जो उसके ऊपर भी आर है वो शु के बाद उच्चारण होगा, चिकीर शुर, ठीक है, लोक संग्रहम, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः,
चिकीर्षु लोक संग्रहं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहं।